दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और ध्रुव जुरेल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे टेस्ट में टीम इंडिया के जीत के हीरो ध्रुव जुरेल ने जब कप्तान रोहित के कदमों में गिरकर उनका आशीर्वाद मांगा तो उनकी महानता पर पूरा क्रिकेट जगत फिदा हो गया। यहां तक कि खुद कप्तान रोहित के भी होश उड़ गए और फिर ध्रुव को अपने कदमों से उठाकर सीने से लगाते हुए रोहित ने जो किया, सच में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुआ यह खूबसूरत लम्हा इस वक्त प्रेरणा की मिसाल बना हुआ है। तो आखिर क्यों ध्रुव ने बीच मैदान में छूली अपने गुरु रोहित के पैर, भारतीय परंपरा का अनूठा उदाहरण, उस शानदार लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ध्रुव यशस्वी और गिल में कौन सबसे टैलेंटेड युवा खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चौथा टेस्ट मैच ध्रुव के नाम रहा, यह कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। रांची का मैदान जहां से भारत को महेंद्र सिंह धोनी जैसा महानतम विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान मिला, अब रांची की धरती पर ही सालों बाद महेंद्र सिंह धोनी की परछाई के रूप में हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिल चुका है जो दूसरा धोनी बनने के काबिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में अपने बल्ले से उस समय तबाही मचा दी जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और अपने बल्ले से न केवल उन्होंने इतिहास लिखा बल्कि सभी की अपनी प्रतिभा का मुरीद बना दिया। वहीं कप्तान रोहित के कदमों में गिरकर ध्रुव ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे दिल से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो तीसरी पारी में लोन वॉरियर की तरह ध्रुव जुरेल ने 6 चौकों 4 खौफनाक छक्कों की बदौलत 90 रनों की ऐसी भयंकर पारी खेल डाली जिसकी बदौलत टीम इंडिया मैच में वापसी कर पाई। चौथी पारी में भी जब भारत का टूरा टॉप ऑर्डर 192 रन चेज करते हुए ध्वस्त हो गया तो यही युवा खिलाड़ी था जिसने गिल के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी को भी उस वक्त चौथी पारी में अंजाम दिया जब बड़े से बड़े बल्लेबाज 2 मिनट भी नहीं टिक पाते। उन्होंने एक बेहतरीन बेमिसाल पारी खेली और गिल के साथ मिलकर उन्होंने 72 मैचों की विनिंग साझेदारी को अंजाम दिया और मैच विनिंग शॉट भी ध्रुव के बल्ले से निकला। 2 रन लेकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई और उनकी आतिशी 39 रनों की बदौलत ही टीम इंडिया इस मैच की चैंपियन बनी। भारतीय टीम ने 3 से यह 1 सीरीज अपने नाम कर ली। इसके बाद तो ध्रुव को मैन ऑफ द मैच चुना गया और वह अपने दूसरे ही टेस्ट मैच में इतना बड़ा अवार्ड पाकर बेहद खुश नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने अवार्ड कप्तान रोहित शर्मा के नाम कर दिया और उनके मुंह से यह शब्द सुनकर रोहित भी बेहद खुश थे। ध्रुव दौड़ते हुए कप्तान रोहित के पास पहुंच जाते और जैसे ही रोहित ने उन्हें बधाई देनी चाहिए वैसे ही ध्रुव ने उनका हाथ नहीं मिलाया बल्कि सीधे रोहित की गुरु दक्षिणा देकर उन्हें पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांग लिया। यह नजारा देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया, खुद रोहित तक दंग थे। उन्होंने ध्रुव को तुरंत उठाया और सीने से लगाकर ऐसा करने से मना किया, उनकी पीठ तपतपाई और उन्हें शाबाशी देते हुए उनकी तारीफों के जमकर कसीदे कर डाले। यहाँ तक कि ध्रुव के आंसू पोंछते हुए रोहित ने उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह संभाला और एक लीडर की तरह कप्तान ने जो किया एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों वो इतने महान खिलाड़ी हैं। यहाँ तक कि ध्रुव ने भी अपने गुरु रोहित शर्मा के सम्मान में जो किया वह देखने लायक था। उन्होंने भारतीय परंपरा का अद्भुत नमूना पेश किया और अपना अवार्ड कप्तान रोहित शर्मा के चरणों में समर्पित कर उन्होंने करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा की मिसाल पेश की है। यहाँ तक कि यह खूबसूरत लम्हा देखकर रोहित की पत्नी रितिका भी अपनी मुस्कान रोक नहीं पाई। वहीं मौजूद हर एक भारतीय खिलाड़ी से लेकर हजारों फैंस भी तालियां बजाने लगे थे। सभी ने ध्रुव का हौसला बढ़ाया और यह खूबसूरत लम्हा देखते ही देखते सुर्खियों में छा गया, सभी को यह बेहद पसंद आया। तो दोस्तों, ध्रुव जुरेल के शानदार अंदाज को आप 10 में कितने अंक देंगे, ध्रुव ने ऐसा क्या करके आपका दिल जीत लिया है, अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।